नमस्कार। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक पार्टिकल एक्सीलेटर के एक्सप्लोजन से निकले एक बिजली के झटके के कारण बैरी फ्लैश बन चुका था और दुनिया के सबसे तेज इंसान भी। तो आज की कहानी में हम उसके आगे के देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक फ्लैश सीरीज के एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं फ्लैश सीरीज का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसका एक फ्लैश नाम से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, तो जाइए पहले एपिसोड 1 को देखिए। और माफी चाहूंगा, इस वीडियो में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से मेरा बैठ गया है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है साउथ सिटी के वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें आग लगी होती है और उसके अंदर कई लोग फंसे होते हैं। कि तभी वहाँ सिस्को के एट्रैक्शन को फॉलो करते हुए फ्लैश यानी बैरी उस बिल्डिंग के अंदर से एक एक करके सबको बचा लेता है। कि तभी वहाँ कैथलीन भी आ जाती है और बैरी को वापस बुला लेती है और बैरी और सिस्को पर गुस्सा करती है क्योंकि अभी भी बैरी को अपने स्पीड पर कंट्रोल नहीं था और उस लगे भीषण आग में बैरी की जान भी जा सकती थी। तभी कुछ देर बाद डिटेक्टिव जॉय का कॉल आता है, जो कि एक दूसरी जगह पर एक गन की शॉप में लाखों की चोरी हुई थी, जिसके छानबीन के लिए बैरी भी गन शॉप पहुंचता है, जहां मिले जूते के निशान से बैरी के अनुसार वहां 6 चोर थे। पर वहां लगे सीसीटीवी में एक ही शख्स दिखाई दे रहा था, जहां एक बार फिर से कोई भी बैरी की बातों पर यकीन नहीं करता। अब बैरी सबूतों को मिले हुए लैब में चेक करने लाता है, जहां आसपास किसी को ना पाकर बैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि अचानक से बैरी को थकान सा महसूस होता है। कि तभी वहां एरिस आती है और बैरी को स्टैग इंडस्ट्री साथ चलने को बोलती है। चूंकि एरिस कैफे में काम करने के साथ साथ जर्नलिस्ट की पढ़ाई भी कर रही थी, जिसके आर्टिकल के लिए एरिस को एक ब्रेकिंग न्यूज को कवर करना था, क्योंकि आज स्टैग इंडस्ट्री के ओनर को यूनिवर्सिटी की तरफ से मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था, जिससे एरिस अपने आर्टिकल के लिए कवर करना चाहती है। तो यहाँ डॉक्टर का थैंक यू स्पीच खत्म होते ही वहाँ कुछ नकाब पहने चोर आ जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी पब्लिक को उसके ज्वेलरी और पैसे उतारने को बोलते हैं, जहाँ से सिक्योरिटी गार्ड आकर उन चोरों को रोकने की कोशिश करता है। तभी सभी चोर मिलकर उस एक सिक्योरिटी गार्ड पर एक साथ ही गोली चलाता है। कि तभी बैरी अपनी शक्तियों की मदद से सिक्योरिटी गार्ड को बचा लेता है और चोरों के पीछे भागता है। पर वहाँ अचानक बैरी को फिर से थकान महसूस होता है और बैरी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जहाँ कुछ देर बाद बैरी के होश आने पर एरिस उसे हॉल के अंदर ले जाती है, जहाँ चोरी हुई इंसिडेंट की इंक्वायरी के वक्त डिटेक्टिव जॉय को गार्ड से पता चलता है कि कोई अनजानी शक्ति ने उसकी जान बचाई, जिस पर जॉय बैरी को साइड में लाकर बोलता है, तुम्हें इस तरह के खतरे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आगे से तुम ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान की खतरा हो। तो वहीं दूसरी तरफ बैरी की बेहोश होने की खबर सुनकर कैथलीन उस पर ज्यादा ही गुस्सा होती है, क्योंकि अपने शरीर में हो रहे इस अलग चेंजेस को बैरी ने कैथलीन या फिर सिस्को ने पहले कभी इन्फॉर्म नहीं किया था। तो वही बैरी के बॉडी में हो रही चेंजेस को जानने के लिए डॉक्टर हैरिसन बैरी पर स्पीड रिलेटेड टेस्ट करता है, जहां बैरी के रिपोर्ट से पता चलता है कि बैरी के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है, जहां बहुत सारा एनर्जी को यूज करने पर बैरी को फूड लेने की जरूरत है। तो वही डिटेक्टिव जॉय बैरी को ढूंढता हुआ उसके लैब में जाता है, जहां पर वो वहां मौजूद नहीं होता। कि तभी जॉय की नजर एक चेयर पर पड़े स्टार लैब टीशर्ट को देखकर जॉय समझ जाता है कि बैरी इस वक्त कहाँ होगा, जिस पर जॉय स्टार लैब पहुँचता है और बैरी पर गुस्सा करता है। चूंकि जॉय को लग रहा था कि डॉक्टर हैरिसन के बातों में आकर बैरी हीरोगिरी वाले लाइन पर चल रहा है, पर जॉय ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि जॉय बैरी से बहुत प्यार करता था और बैरी को खोना नहीं चाहता था। तो वही जॉय की कंसर्न सुनकर बैरी बोलता है, आप मेरे पिता नहीं है और बनने की कोशिश ना करें, और ये बात जॉय को बहुत बुरा लगता है और जॉय वहां से चला जाता है। तो वही दूसरी तरफ हमें डॉक्टर साइमन स्टेक के बॉडीगार्ड को उसी नकाब में और उसी चोर के साथ दिखाया जाता है, जिसने अभी कुछ देर पहले ज्वेलरी को लूटा था, जिसका नाम डेल्टन ब्लैक होता है, जहां उसके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है जावा यानी कि साइमन की बॉडीगार्ड और डेल्टन ब्लैक आपस में मिले हुए हैं और दोनों मिलकर डॉक्टर साइमन को मारना चाहते हैं। जहां डेल्टन गुस्सा होकर जावा से डॉक्टर साइमन के घर की प्रसन्न चाबियां मांग रहा होता है, जहां जावा को खुद पर हावी होने वाला बिहेवियर पसंद नहीं आता है, जिसके बाद जावा डेल्टन को एक गुस्सा मारकर वहां से चलने लगता है। कि तभी डेल्टन को देखते हैं, जो कि अचानक से अपना क्लोन बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही क्षण में वहां एक से ज्यादा डेल्टन आ जाते हैं, जो एक साथ मिलकर जावा को वहीं मार देते हैं। जहां अगले दिन हम देखते हैं जॉय को मर्डर होने की खबर मिलती है, जहां जॉय पहुंचता है और वहां से मिले एविडेंस को लाकर बैरी को चेक करने के लिए देता है, और जॉय खुद डॉक्टर साइमन से मिलने स्टैग इंडस्ट्री जाता है, जहां जॉय डॉक्टर साइमन से पूछताछ कर ही रहा होता है कि तभी अचानक वहां डेल्टन ब्लैक भी आ जाता है और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो यहां दूसरी तरफ मर्डर प्लेस से मिले सबूतों को चेक करने पर बैरी को एक सेल सैंपल मिलता है, जो कि खुद अपने ही जैसे सेम सेल बना रहा होता है। कि तभी डिपार्टमेंट में भागदौड़ मच जाती है, जिसे बैरी को पता चलता है कि सभी ऑफिसर स्टैग इंडस्ट्री जा रहे हैं क्योंकि वहां पे फायरिंग हो रही है, जिस पर बैरी को याद आता है जॉय भी इस वक्त वही है, जिसे बचाने के लिए बैरी भी फ्लैश बनकर स्टैग इंडस्ट्री पहुंचता है, जहां जॉय डेल्टन को अपना क्लोन बनाते हुए देख लेता है। कि तभी वहां फ्लैश यानी बैरी पहुंचता है और जॉय को उस होल से सेफली बाहर छोड़ वापस डेल्टन का सामना करने पहुंचता है। चूंकि डेल्टन अपने एक से ज्यादा क्लोन के साथ बैरी पर हमला कर रहा था, बैरी उनकी वार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से भाग
भाग निकलता है और स्टार लैब पहुंचता है, जहां कैथलीन वापस से दंग रह जाती है चूंकि बैरी का घाव खुद ब खुद ठीक हो रहा था। जहां बैरी के सूट पे डेल्टन का खून लगा होता है जिसे सिस्को अपने अंडर ऑब्जेक्शन में रख लेता है, तो वहीं डॉक्टर हैरिसन डेल्टन के बारे में बताता है कि डेल्टन ब्लैक एक बायल जिनेस्टिस्ट है जिसकी खासियत है क्लोन बनाना और नए ऑर्गन बनाकर पुराने ऑर्गन बनाकर रिप्लेस करना। जिस पर कैथलीन बताती है कि इसी खोज के डॉक्टर साइमन ने चुरा कर उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया और इसीलिए शायद डेल्टन साइमन को मारना चाहता होगा। अब रही बात क्लोनिंग शक्ति की, तो ये भी एक मेटा ह्यूमन है जिस पर पार्टिकल एक्सीलेटर का असर हुआ होगा, जिसे सुन निराश होकर बैरी वहां से जाने लगता है क्योंकि बैरी को लगता है डिटेक्टिव जॉयस सही बोल रहे हैं कि मैं कोई हीरो नहीं हूं और इन अजीब मेटा ह्यूमन को बैरी कभी नहीं हरा सकता। जहां हैरिसन बैरी को दिलासा देने की कोशिश करता है पर बैरी वहां से चला जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ डेल्टन की सच्चाई मालूम पड़ते ही डिटेक्टिव जॉय डॉक्टर साइमन को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की एडवाइस देता है, पर डॉक्टर साइमन जॉय से कोई भी मदद लेने से इनकार कर देता है कि तभी वहां डॉक्टर हैरिसन बेल पहुंचता है और वो बताता है कि वो और डॉक्टर साइमन एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां कुछ देर बाद जॉय और हैरिसन आपस में बातें करते हैं, जहां जॉय हैरिसन को बैरी से दूर रहने को कहता है, जिस पर डॉक्टर हैरिसन बोलता है बैरी एक काबिल लड़का है, अगर तुम उसकी कदर नहीं करोगे तो वो शायद खुद भी एक ना एक दिन हार मान लेगा, चूंकि तुम उसके पिता के समान हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही उसकी फिक्र है? मुझे भी है, वो मेरे लिए एक बच्चे के समान ही है। तो वहीं दूसरी तरफ जब बैरी एरिस से मिलता है, एरिस फ्लैश यानी बैरी के ही कारनामों के बारे में बातें कर रही होती है। चूंकि एरिस को बैरी को असलियत मालूम नहीं होती है, जहां फ्लैश यानी खुद की तारीफ सुनकर बैरी को काफी अच्छा लगता है कि तभी बैरी को स्टार लैब से कॉल आता है, जहां कैथलीन बैरी को तुरंत स्टार लैब आने को बोलती है। जहां स्टार लैब पहुंचने पर बैरी देखता है कि वहां डेल्टन ब्लैक का एक क्लोन है जिसे कैथलीन ने बैरी के सूट से मिले डेल्टन के खून को प्रोटीन जेल में रखकर बनाया था। ये क्लोन बिना डेल्टन की मौजूदगी के कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा क्योंकि इसका ब्रेन सिर्फ एडिसिविन का काम करता है, जिसका मतलब ये है कि डेल्टन ब्लैक का कोई भी क्लोन एक्टिविटी तब तक नहीं करेगा जब तक खुद ही डेल्टन ऑर्डर ना दे। और अगर हम एक यानी सिर्फ असली डेल्टन को रोकते हैं तो सारे क्लोन खुद ब खुद रुक जाएंगे। और असली डेल्टन का पहचान का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है उसका थकान। यानी बहुत सारे क्लोन हैंडल करने के लिए डेल्टन को बहुत सारे एनर्जी की जरूरत होगी। जो क्लोन सबसे ज्यादा थका लगे तो समझ जाओ वही असली डेल्टन है। तो बातें यहाँ चल ही रही होती है तभी डेल्टन का क्लोन अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, जिसे स्टार लैब पहुँच कर जॉय उसे शूट कर देता है और बैरी को बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम लोगों की मदद करना चाहते हो तो, बस तुम अपना ख्याल रखना, अब और देर नहीं करो, जाओ डेल्टन को पकड़ो। जहां वे सभी मिलकर गैस करते हैं कि शायद डेल्टन अभी भी स्टैग इंडस्ट्री में ही होगा और उन लोगों का अंदाजा सही भी होता है और बैरी को डेल्टन स्टैग इंडस्ट्री में मिलता है, जहां वो डॉक्टर साइमन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां फ्लैश के रूप में आता है और डॉक्टर साइमन को सेफली उसके ऑफिस में रहने बोलकर डेल्टन से सामना करता है, जहां थके हुए डेल्टन को पहचान कर बैरी उसे पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले करने जाता है, पर वहां डेल्टन पुलिस के हवाले करने के बजाय सुसाइड कर लेता है। तो वहीं अगले शाम हम डिटेक्टिव जॉय को देखते हैं जो बैरी के लिए उसका फेवरेट डिनर लाता है और बैरी को बोलता है हम साथ मिलकर तुम्हारे पिता को और तुम्हारे माँ के झूठे कत्ल का इल्जाम से छुड़वा लेंगे, जहां बैरी भी जॉय से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। तो यहां एपिसोड के आखिरी में हमें डॉक्टर साइमन और डॉक्टर हैरिसन दोनों के साथ में दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर साइमन फ्लैश के बारे में बातें करते हुए फ्लैश को कंट्रोल करने की बात डॉक्टर हैरिसन से कहता है, जिस पर डॉक्टर हैरिसन फिर से अपने व्हीलचेयर को छोड़कर खड़ा होता है और डॉक्टर साइमन को खंजर मारकर बोलता है वो फ्लैश को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और इसी के साथ फ्लैश सीरीज की एपिसोड 2 खत्म होती है। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें, और अगर अभी तक हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाए उन सभी वीडियो को देखिए, या फिर मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।